फटा 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए ताका है। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। साल 2022-23 का बजट आ चुका है और इस बजट में रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, भारत की सीमाओं से जुड़े हुए कई अहम फैसले, कई अहम ऐलान किए गए हैं। रक्षा बजट में जहां एक तरफ बढ़ोतरी हुई उसकी खबर हमने आपको बताई, तो वहीं बॉर्डर से जुड़े हुए गांव को लेकर भी एक बड़ा ऐलान हुआ, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे कि वो क्या ऐलान है और कैसे ये एक तरीके से चीन के खिलाफ भारत की बड़ी स्ट्रेटेजी को दर्शाता है। दरअसल बॉर्डर के गांव के लिए नई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई है, VVP। इसे चीन के साथ बॉर्डर पर जारी तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बजट जो भाषण रहा वित्त मंत्री का, उसमें उन्होंने कहा है कि कम आबादी वाले बॉर्डर के गांव सीमित संपर्क और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर अवसर विकास से दूर रह जाते हैं। उत्तरी सीमा पर बसे ऐसे गांव को नए वाइब्रेंट गांव कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। नए वाइब्रेंट गांव के मॉडल को लेकर बताया गया है कि इन गांवों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास, पर्यटन सेंटर तक बनाए जाएंगे। इन गांवों की रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूरदर्शन और एजुकेशन चैनल्स के जरिए सीधे घर तक पहुंचा जाएगा और आजीविका सृजन के लिए समर्थन किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से उन पिछड़े हुए इलाकों को डेवलप करने का ये मास्टर प्लान सरकार की तरफ से अभी खाका जो है वो पेश किया गया है। इन सभी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त पैसे मुहैया कराए जाएंगे, मौजूदा योजनाओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि नतीजों को परिभाषित करेंगे, जो उसके नतीजे निकलेंगे और लगातार उसकी निगरानी करते रहेंगे। इस प्रोग्राम के जरिए भारत चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास के गांव में रह रहे लोगों के लिए रहना आसान बनाना चाहता है। बॉर्डर के गांव के लोगों को हर सुविधा देनी है ताकि वो गांव से दूर शहरों में प्रवास ना करें, पलायन ना करें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारत इस बात से जो है वो लगातार मंथन कर रहा था कि बॉर्डर के गांव में बहुत कम लोग रहते हैं और कैसे जो है भारत इन समस्याओं को काउंटर करे, कि चीन जो लगातार सलामी स्लाइसिंग की कोशिश करता है उसको काउंटर कैसे किया जाए, अपने नागरिकों को बॉर्डर के इलाके में जो लोग रहते हैं उनको कैसे सारी सुविधाएं दी जाए ताकि वो लोग वहीं रहें, कहीं पलायन ना करें। तो ऐसे में एक मास्टर प्लान सामने आया है जो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखता है, लेकिन अब ये कितना वाइबल होगा, कितना जब ये लॉन्च होगा, जब ये जमीन पर अमलीजामा इसे पहनाया जाएगा तब पता चलेगा। वैसे दोस्तों, इसी में बॉर्डर इलाके की अगर हम बात कर रहे हैं तो चीन पाकिस्तान की चुनौती की भी, जो लगातार जो चुनौतियां मिलती हैं उससे निपटने की भी तैयारी इस बार भारत ने अपने बजट में दिखाई है। सीमा पर हो रही घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने जो है अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। आत्मनिर्भर होने का भी प्लान भारत की तरफ से तैयार किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए जो है ऐलान किए गए हैं, जिसमें रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बजट का 68% हिस्सा मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित कर दिया गया है। रक्षा उपकरणों के लिए घरेलू उद्योग पर जोर देने का प्रयास रहेगा। केंद्र सरकार बड़े उद्योग के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास खोलेगी। इसके तहत बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप्स और अकादमियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं बजट का लगभग 25% सहयोग जो है वो निर्धारित किया गया है इनके लिए। साथ ही घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, AI, SPV को बढ़ावा जो है वो सरकार देने की तैयारी कर रही है। डिफेंस सेक्टर में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को अधिक से अधिक मौका दिए जाने का प्लान भी खड़ा किया गया है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए। और रक्षा, सुरक्षा, विदेश नीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत तक।